हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में चार आरोपी पकड़े, घटना में प्रयुक्त तो स्कॉर्पियो जब्त। थाना गिड़ा इलाके में मंगलवार को आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम जाट के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे घटना में प्रयुक्त तो एक स्कॉर्पियो भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र सिंह पुत्र बांका राम जाट 20 वर्ष व रमेश कुमार पुत्र वेहना राम जाट 20 वर्ष जगराम की ठाणी परेयू, खरता राम पुत्र उमेदा राम जाट 28 वर्ष, कुंभलिया एवं आदेश जाट पुत्र लुम्बा राम 25 वर्ष पिराणी साइयों की ठाणी परेयू के रहने वाले हैं, जिसने घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में गहन अनुसंधान व पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि मंगलवार 21 दिसंबर को पुलिस थाना गिड़ा के हल्का क्षेत्र में जसोड़ो की बेरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम पुत्र कीर्ता राम जाट 30 वर्ष का अज्ञात मुलजिमों द्वारा अपहरण कर सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट करने के संबंध में थाना गिड़ा पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी भार्गव स्वयं अगले दिन 22 दिसंबर को घटनास्थल पर पहुंची। हालात जानकर अज्ञात मुलजिमों की दस्तयाब हेतु कई पुलिस टीमों का गठन कर टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीड़ित अमर गोदारा के एमडीएम चिकित्सालय जोधपुर में भर्ती होने पर 22 दिसंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को भेजकर उनके उचित चिकित्सालय उपचार हेतु डॉक्टरों से संपर्क कर समुचित उपचार हेतु व्यवस्था कर व पीड़ित से भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस की 5 टीमों व डीएसटी प्रभारी इंस्पेक्टर हरचंद के नेतृत्व में तकनीकी टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की तलाश सरगर्मी से करवाने के परिणाम स्वरूप आज गुरुवार को 4 आरोपी नामजद कर दस्तयाब किए गए, जिनसे घटना में प्रयुक्त तो स्कॉर्पियो वाहन नंबर RJ19UC1279 को दस्तयाब किया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हैं दीपक भार्गव पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। सर्वप्रथम तो जो आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम जी के साथ मारपीट हुई थी परसों, उसके लिए पूरा बाड़मेर पुलिस उनके साथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो टीमें गठित की थी, उन्होंने तकनीकी सर्वेलांस और आसूचना के तहत 4 लोगों को दस्तयाब किया है, जिनमें भूपेंद्र पुत्र बांकाराम निवासी जगराम की ढाणी परेऊ, खरताराम पुत्र उमेदाराम निवासी कुंपलिया, आदेश पुत्र लुभाराम निवासी पिराणी की साइयों की ढाणी परेऊ, रमेश पुत्र वेनाराम जगराम की ढाणी परेऊ। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, अमरा राम ने इनके कुछ कार्यकलापों की जो शिकायत की थी उस पर कार्रवाई होने से ही उनसे रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिश पर इन्होंने बकायदा प्लान बना के इनको एक स्थान से उठाया, फिर मारपीट करी और फिर वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया। इन चारों को दस्तयाब कर लिया गया, इनसे पूछताछ जारी है और घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो है उसको जब्त कर लिया गया है। इनमें से भूपेंद्र बांकाराम उनके पिता सरपंच हैं। इसमें एज सच कोई जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी का नाम डायरेक्ट इस तरह से कुछ भी नहीं आया अभी तक। चूँकि इनके पिता सरपंच हैं तो ऑब्वियसली राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं। अन्य किसी व्यक्ति का इसमें कोई भी भूमिका है उसके बारे में सूक्ष्म रूप से गहन अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।